हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आप अनुप्रीता मिश्रा आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने डीसी मशीन्स के तहत डीसी जनरेटर वाला टॉपिक कम्प्लीटली 31 वन टू थर्टी लेक्चर्स में कवरअप कर दिया है जिसमें से कुछ टॉपिक्स कॉमन थे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पर पर ओवरऑल मैंने पहले डीसी जनरेटर के सारे कंटेंट्स कवर किए हैं आज मैं एक टॉपिक लेने जा रही हूँ आर्मेचर वाइंडिंग और ये एक जनरल टॉपिक बोलूँगी क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हर रोटेटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्शन वाले डिवाइस में एग्जिस्ट करती है तो इससे रिलेटेड मैंने कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द मशीन्स का सबसे पहला लेक्चर मैंने डी सी मशीन से पहले समझाया था तो उसमें मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और पूरे डीसी जनरेटर में हम आर्मीचर रिएक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पर यहाँ पर मैं आर्मेचर वाइंडिंग मतलब स्पेसिफ़िकली इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वाइंडिंग uh, कैसे बनाई जाती है उसका डेवलप डाइ डायग्राम कैसा होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके तहत डिस्क्राइब करूँगी पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज से जो आप लोगों को डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या होता है और ऐसा एक्चुअली मैं डीसी मोटर का कंटेंट पहले स्टार्ट करती पर एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें कॉयल में जो आर्मेचर कोयल रहती है उसमें करंट किस डायरेक्शन में बहता है तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक पहले मुझे कॉमनली ले लेना चाहिए जो कि डीसी मशीन्स पर भी एप्लीकेबल है और सिंक्रोनस मशीन्स पर भी एप्लीकेबल है हाँ सिंक्रोनस मशीन में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत स्पेसिफ़िक होगा मैं सिंग्रोनस मशीन पढ़ाते वक्त भी इस टॉपिक को रिवाइज़ करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू सिंग्रोनस मशीन पर अभी मैं एक जनरल तरीके से इस टॉपिक को उठा रही हूँ और फिर मैं स्पेसिफिक टू डीसी मशीन आपको इसको समझा दूँगी और फिर जब हम सिंग्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक टू सिंग्रोनस मशीन इस टॉपिक को मैं फिर ले लूँगी सिकरोनस मशीन के परसेप्शन में तो बस उम्मीद है मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि अभी मैं आर्मेचर वाइंडिंग को इन जनरल पिकअप कर रही हूँ फिर मैं डीसी मशीन के हिसाब से इसको डिस्कस करूँगी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आप डीसी सी अभी लगातार पढ़ रहे हैं इसलिए और लेटर ऑन जब मैं सिंक्रोनस मशीन लूँगी तो मैं आर्मेचर वाइनिंग को एक बार फिर रिवाइज कर दूंगी विद द परसेप्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन तो चलिए मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जो कि पहले भी बता चुकी हूँ पर को, कोई भी आपसे पूछे आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है तो आपको एक सिंगल जवाब देना है इट कट्स फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फील्ड वाइंडिंग यह हमेशा फील्ड फ्लक्स को काटता है घूमते हुए या घूमते हुए फ्लक्स को ये स्टेशनरी आर्मेचर काटेगी या स्टेशनरी फ्लक्स को घूमती हुई आर्मेचर काटेगी कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगी फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर के बीच में तो आर्मेचर वाइंडिंग की जो होगी आर्मेचर कंडक्टर्स जो होंगे वो फील्ड फ्लक्स को काटेंगे ही काटेंगे और फेराडाज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इट प्रोड्यूसेमए एज पर फेराडाइज लॉ तो ये बेसिक डेफिनेशन है आर्मेचर वाइंडिंग की कि होता क्या है फील्ड वाइंडिंग कोई बोले कि क्या होता है तो आप कहेंगे फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाली वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है तो मेनली रोटेटरी मशीन्स में दो ही वाइंडिंग होती है एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग अब इनको जहां प्लेस किया जाता है तो कोई भी वाइंडिंग रोटर पे दे दीजिए कोई भी वाइंडिंग स्टेटर पर दे दीजिए पर टिपिकल मशीन्स में इसका प्लेसमेंट टिपिकली होता है हाँ सिंगलोनस मशीन में जरूर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पर भी दे सकते हैं रोटर पर भी दे सकते हैं तो दूसरी वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो दूसरे कंपोनेंट पर हो जाएगी पर जैसे डीसी मशीन की बात करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर ही होती है और फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पर ही होती है इंडक्शन मोटर में बात करूं तो स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होगी और आर्मेचर कंडक्टर्स या रोटर कंडक्टर्स जो होंगे वो रोटर पर होंगे नाम से ही समझ में आ रहा तो इस तरीके से आपको कोई भी पूछे आर्मेचर वाइंडिंग क्या है तो आपको जवाब देना है कि आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो मेन फील्ड फ्लक्स को काटती है और इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है फरड लॉ के अकॉर्डिंग अब मैं बेसिक जो मैंने आपको डीसी जनरेटर में भी समझाया था सबसे बेसिक मैंने सर्किट बनाया था डीसी मशीन uh, में डीसी जनरेटर का जब मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया था तब भी मैंने ये बताया था मैं यहाँ पर फिर से इसको रीड्रॉ की हूँ ये नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी वाइंडिंग लपेटी होती तभी ये नॉर्थ पोल उस वाइंडिंग से जब करंट बहता तभी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन पाता है और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम एक वाइ कंडक्टर्स प्लेस करते हैं और एक कोइल रखते हैं या एक टर्न रखते हैं दो कंडक्टर्स ऐसे रखे हुए हैं ये दो कंडक्टर्स मतलब इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है तो ये दो कंडक्टर्स ऐसे रखे हुए हैं और इन कंडक्टर्स का ऊपर से कनेक्शन होगा क्योंकि करंट बहाना है तो ये क्लोज पाथ में होना चाहिए और ये वाला कनेक्शन इसका लोड से कनेक्टेड होता है मैंने आपको स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर सब कुछ बता चुकी हूँ अभी मैं सिर्फ आपको मेन चीज इन आर्मेचर वाइनिंग में सबसे बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो होता है कंडक्टर तो फर्स्ट टर्म जो मैं डिफाइन करने जा रही हूँ आपको वो है कंडक्टर्स और ये कंडक्टर्स कौन से वाले होते हैं ये कंडक्टर सार्मेचर वाइनिंग में ऐसे रखे रहते एक कंडक्टर अगर मैं कहूँ नॉर्थ पोल के अंडर में तो दूसरा किसके अंडर में होगा साउथ पोल में इसका भी एक रीज़न है तो ये दोनों मिलके ये एक टर्न डेवलप कर रहे हैं एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं ठीक है ये क्लोज सर्किट में जब ये हम इसको घुमाते हैं मतलब इसको आप यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है तो आप इसको घुमा रहे हैं मतलब ये कैसा घूम रहा है अगर मैं कहूँ कि ये ऐसा घूम रहा है मतलब ये ऐसे घूमते चले जा रहे हैं ऐसे घूमते चले जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं ये कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को कौन सा फील्ड फ्लक्स नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस हुआ फील्ड साउथ पोल में जो मर्ज हो रहा है उस फील्ड फ्लक्स को ये कंडक्टर्स कट कर रहे हैं ये कंडक्टर्स जो है उस फील्ड फ्लक्स को कट कर रहे हैं तो इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अब अगर इन इन कंडक्टर्स में ई इंड्यूस हो रहा है तो वो किस लॉ के हिसाब से होगा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इनमें ई एम एफ की वैल्यू समझा सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होगी डायरेक्शन क्या होगी तो वो मैं समझ सकती हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स ये जो है थम जो है वो स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो ये कंडक्टर ऐसा घूमने वाला है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इंडेक्स uh, फिंगर जो है वो नॉर्थ टू साउथ पोल फ्लक्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ कंडक्टर के अलोंग दिखा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की की तरफ होगी होगी मतलब कौन सी करंट डायरेक्शन ए टू बी होगी इसी तरीके से अगर मैं इस वाले कंडक्टर को देखूं रेड वाले कंडक्टर को मतलब किसको सी डी को देखूं सी यहां है डी यहा है तो ये घूमते हुए ये पीछे जाने वाला है तो राइट हैंड से मैं थम को पीछे ले रही हूँ बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही वाली होगी तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही इस तरीके से ये है थंब uh, पीछे की तरफ बोर्ड की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिडिल फिंगर डाउन डायरेक्शन में मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है इसमें करंट की डायरेक्शन ये वाली आ रही है इसका मतलब करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो ए टू बी और C टू D ऐसे करंट फ्लो हो रहा है मतलब आप देखिए कि एक नॉर्थ पोल के अंडर में और एक साउथ पोल के अंडर में कंडक्टर है और साथ में हम इसको घुमा रहे हैं उस वजह से करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर्स में अपोजिट हो रही है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से और यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया तो करंट नेचुरली इसमें कैसा फ्लो हो रहा है ऐसा ही फ्लो हो रहा है करंट मतलब क्लोज पाथ में हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसमें भी करंट ऊपर की तरफ आ रहा है नहीं इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये सर्किट कंप्लीट है और प्रॉपर डायरेक्शन में जैसा हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में करंट बह है रहा है इस लूप में वो हो रहा है बाहर नेचुरली स्लिप रिंग की वजह से हम स्प्लिट रिंग की वजह से इसको ए सी टू डी सी कन्वर्ट कर पा रहे वो सारे फिनोमिना इवेंट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी सी जनरेटर में आप मेरा वीडियो प्लीज़ वो वाला देखिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा मेरा इंटेंशन अभी समझाने का ये है कि ये कंडक्टर से दो कंडक्टर्स जो कि एक क्लोज्ड सर्किट बना रहे हैं एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में और एक कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में और दोनों की डायरेक्शन घूमने की अपोजिट होने की वजह से दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्लोज्ड पाथ में करंट एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ हमें मिल रहा है ठीक है अब आप कहेंगे कि क्या बी टू सी ई एम एफ नहीं इंड्यूस होगा ये दोनों में ई एम एफ इंड्यूज़ हो रहा है ए बी और सी डी में ई एम एफ हो रहा है और बी बी टू सी क्या इस वाले कंडक्टर में ई एम एफ नहीं इंड्यूस हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं इसमें ई एम एफ हो रहा है कि नहीं अब मैंने क्या किया इस वाले इसको मैं ऐसे बता देती हूं आपको देखिए ये है ए बी सी डी अभी मैं कैसे घूमते हुए दिखा रही थी ऐसे इसको मैं ऐसे घूमते हुए दिखा रही थी अब क्या कर रही हूं मैं इसको कर दे रही हूं मैं ऐसे अब ए आपकी तरफ है बी मेरी तरफ है सी मेरी तरफ है डी आपकी तरफ है नॉर्थ पोल ऐसा ही है साउथ पोल ऐसा ही है अब मैं इसको ऊपर घुमा रही हूँ तो मैं इसको ऐसे करती जा रही हूं मतलब मेरे ये कंडक्टर्स जो है ऐसे हो चुके हैं ए बी और सी डी सॉरी ए ए बी और सी डी ऐसे हो चुके आपको दिख रहा होगा ए बी और सी डी ऐसे हो चुके अब जिस कंडक्टर में करंट इधर वाले में ई एम एफ अभी तो ये करंट को रास्ता दे दे रहा है यहाँ से ऐसे करंट बह रहा है और वो करंट ऐसे जा रहा है फिर सी टू डी बह रहा है ए बी में इंड्यूस हो रहा है करंट सी डी में भी करंट इंड्यूस हो रहा है मैं चेक कर रही हूँ कि क्या बी सी में भी करंट इंड्यूज हो रहा है क्या वो देखना चाह रही हूँ तो अब बी सी कहाँ हैं बी सी यहाँ पर है इस तरीके से बी ए है और सी ए है इसमें देखें अब ये कैसा है अब मेरे पास एक रोटर जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये वाला है जिसमें ये ए बी जो है मैंने ऐसे दिखाया हुआ है और ए बी मैंने ऐसे दिखाया हुआ है और सी डी जो है मैंने ऐसे दिखाया हुआ है ये मेरे ए बी और सी डी ए मतलब ये रोटर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको ऐसे दिखा रही थी फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया हॉर्जेंटल और हॉर्जेंटल में भी अब मैंने इसको लैटरल कर दिया तो अब आपको रोटर स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है लैटरल दिख रहा है ये वाला तो रोटर के ऊपर वाले आ, इस हिस्से में मैं आपको ए बी दिखा रही हूँ और नीचे वाले हिस्से में सी डी दिखा रही हूँ और ये रोटर पूरा ऐसा घूम रहा है तो मैं अभी दो ही कंडक्टर्स लेकर चल रही हूं ए बी और सी डी ठीक है अब ये जो है बी सी वो कहाँ है ये वाला है बी सी कहाँ है ये वाला है बी सी ये कंडक्टर बी सी है ये वाला तो अब ये मुझे बी और सी ऐसे मिल रहा है हो क्या रहा है रोटर घूम रहा है ऐसे मतलब ए बी कंडक्टर तो आप इमेजिन करिए कि ए बी और बी सी ऐसे घूमते चले जा रहे हैं ऐसे घूमते चले जा रहे हैं मतलब ये ऐसे घूमते चले जा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा ये कंडक्टर कहाँ दिख रहा है अगर मैं इसी को ए बी को ये बता दूँ, मतलब मैं पीछे से देख रही हूँ मैं किस तरफ से देख रही हूँ इस तरफ से देख रही हूँ इस तरफ से देखने पर मुझे ये ऐसा दिख रहा है देखिए अब ए बी कहाँ है ए बी सी डी है तो ये बी सी हो गया मैं यहाँ लिख देती हूँ बी और सी आपको समझ में आ जाएगा ए बी सी और डी तो बी सी ये हो गया अब मैं इसको घुमा रही हूँ और ये कहाँ पर है रोटर पर है ये कहाँ रखे हुए हैं ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर रोटर की पैरी पे। रोटर की पैरीफेरी ये सर्कुलर ड्रम है अब इसको मैं कैसे घुमा रही हूँ ऐसे ऐसे घूमता चला जा रहा है ये ऐसे घूमता चला जा रहा है तो ये वाला जो कंडक्टर है जो ये वाला दिख रहा है जिसको मैंने ओवर बोला हुआ है ये ओवर कंडक्टर ये है अब इस ओवर कंडक्टर को अगर मैं इस तरफ से देखती हूँ तो मुझे ये क्रॉस सेक्शन ड्रम का सिलेंडर का सर्कुलर दिख रहा है और माना कि मैं इसको हॉर्जेंटल बी और सी पोजीशन पे ले रही हूँ तो ये बी है नॉर्थ पोल ऊपर है तो नॉर्थ पोल की तरफ बी दिखा रही हूँ और साउथ पोल इधर है नीचे तो साउथ पोल की तरफ सी दिखा रही हूँ मैं तो मुझे फ्रंट से दिख रहा है अब क्या हो रहा है इस बीसी में ये जो बीसी कंडक्टर है इस बीसी कंडक्टर में हाफ जो कंडक्टर की लेंथ है उसकी स्पीड वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है और हाफ जो है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हो क्या रहा है इसमें इलेक्ट्रिक ई की जो डायरेक्शन होगी हाफ में और ओ टू सी जो ई एम एफ़ की डायरेक्शन होगी और ओ टू बी जो ई एम एफ़ की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल अपोजिट प्रोड्यूस होगी उस वजह से इस वाले कंडक्टर में कोई ई एम एफ लॉ के हिसाब से इंड्यूस नहीं हो पाएगा सिर्फ़ और सिर्फ इन वाले कंडक्टर्स में इन वाले कंडक्टर्स में ई एम एफ हो पाएगा ए बी में और बी सी में हो जाएगा पर जो आपको बी और सी सामने दिख रहा है उसमें मतलब बी ए ये है और सी और डी ये है तो यहाँ पे जो बी सी कंडक्टर है उसमें ई एम एफ मतलब नेट ई एम एफ यहाँ पे कितना हो जा रहा है जीरो एक में हाफ लेंथ में ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी बाकी के हाफ वाले ईएमएफ की डायरेक्शन से उस वजह से नेट ईएमएफ बीसी में कितना हो जाने वाला है जीरो uh, उस कारण से इसमें uh, कुछ भी फराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कोई करंट नहीं इंड्यूस हो रहा है मतलब बी और सी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ ए बी और बी ए बी और सी डी में इंड्यूस्ड जो भी करंट है उसको सिर्फ रास्ता देने का काम कर रहे हैं, पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कंडक्टर्स uh, का करंट जो है वो एक क्लोज लूप में फ्लो हो पाएगा अब अब मैं यहाँ आ जाती हूँ कि मैं इनको ही कंडक्टर्स बोलूँगी मैं इनको बी सी को और इधर ए डी होता कंटिन्यूटी में तो मैं इनको कंडक्टर्स नहीं बोलूँगी क्योंकि कंडक्टर नाम उसी के साथ अटैच कर रहे हैं जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो फेराडाइज लॉ के अकॉर्डिंग अपने अक्रॉस ई एम एफ इंड्यूस करे उसी को हम कंडक्टर्स कहेंगे बाकी को हम कंडक्टर्स नहीं कहेंगे बाकी को हम क्या कहेंगे जो सिर्फ कनेक्शन दे रहे हैं उसको हम क्या देंगे ओवरहैंग नाम देंगे तो बी और सी सिर्फ करंट को रास्ता दे रहे हैं क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम ओवर और कंडक्टर्स कौन से हैं ए बी और सी डी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके अक्रॉस ई एम एफ इंड्यूज हो रहा है तो ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन कंडक्टर का है अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि टर्न टर्न किस को कहते हैं टर्न मतलब एक घुमाओ अब ये घुमाओ प्रोड्यूस हुआ है अगर कंडक्टर्स Z है तो नंबर ऑफ टर्न्स Z बाई टू होंगे क्योंकि दो कंडक्टर्स मिलके एक टर्न डेवलप करते हैं दो कंडक्टर्स मिलके एक टर्न डेवलप करते हैं अब टर्न में क्या हो रहा है टर्न में ये हो रहा है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ़ है या अगर मैं आपको अभी जो मैंने फिगर बनाया था उसी हिसाब से अगर फिर से समझाऊँ तो मेरे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंडर में एक एक कंडक्टर ये ए बी है और ये बी सी सी डी कंडक्टर है तो ए बी कंडक्टर में करंट जो होगा वो अंदर की तरफ फ्लो होगा क्योंकि इसको स्पीड में इस डायरेक्शन में दे रही हूँ और साउथ पोल के अंडर में जो करंट फ्लो होगा वो डॉट होगा मतलब आपकी तरफ होगा ये सब फर्स्ट लेक्चर uh, जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी सी जनरेटर उसमें समझाया हुआ है तो नॉर्थ पोल के अंडर में आने वाला ए बी कंडक्टर और सी डी कंडक्टर इनमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्रॉस और डॉट से बता रही हूं और यहाँ पर फिर हमें क्या मिल रहा है आ, ये वाला सर्किट मिल सकता है वो हम बना सकते हैं वो सर्किट आपको यहाँ मिल रहा है लोड ठीक है अब ये हुआ कि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे दे रहा है या अंदर की तरफ दे रहा है पीछे ओवर हैंग है बी टू सी और सी टू डी फिर करंट बह रहा है आपकी तरफ और ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है ये नॉर्थ पोल के अंडर में है और ये साउथ पोल के अंडर में है उसकी वजह से यहाँ पर जो ये मैफ स्पीड के कारण मतलब तो इसको हम जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एक ऊपर की तरफ घूम रहा है तो एक किस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ इसलिए इनमें करंट की डायरेक्शन कैसी आती अपोजिट वाली अपोजिट वाली करंट की डायरेक्शन आती या ये कहे कि ये जो कंडक्टर ए बी और सी डी है तो ए में प्लस पोलारिटी ये आएगा माइनस पोलारिटी ये आएगा और सी में ये एक प्लस uh, पोलैरिटी आएगा और ये माइनस पोलैरिटी उसकी वजह से ई पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होगा तो इसमें जो ईएमएफ की डायरेक्शन है प्लस माइनस और इसमें जो ई एम एफ की डायरेक्शन है प्लस माइनस तो अपोजिट ई एम एफ हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ, रोटेट हो रहे हैं ये दोनों कैसे रोटेट हो रहा है एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए ई एम एफ और ये नॉर्थ और साउथ पोल के अंडर में होने की वजह से दोनों में ई एम एफ की डायरेक्शन कैसी प्रोड्यूस हो रही है अपोजिट डायरेक्शन की और जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एक क्लोज पाथ में कनेक्ट कर रहे हैं मतलब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रही हूँ तो दोनों की ईएमएफ जो है अगर ये सर्किट देखूं, किसी लूप को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है और नाम ए बी सी डी करंट जो फ्लो हो रहा है वो ए टू बी बह रहा है और सी टू डी बह रहा है ये सिर्फ पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो प्लस पोलैरिटी टू तो माइनस पोलैरिटी करंट बहता है तो एक पोटेंशियल मुझे वी ए बी मिल रहा है और इस कंडक्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल को ईजी नाम दे रही हूँ इस वाले के अक्रॉस भी मैं ईजी नाम दे रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाइज ये दोनों कंडक्टर सेम डायमीटर सेम मटेरियल सबके हैं तो दोनों के अक्रॉस ई एम एफ सेम प्रोड्यूस होगा तो मैं केवीएल जब लिखूँ तो ए टू बी जाऊंगी तो वी ए बी पोटेंशियल देखूंगी फिर बी सी जाऊंगी तो मैंने अभी वी बी सी लिख दिया है फिर सी डी जाऊंगी तो सी डी ई एम एफ लिख दिया डी ए मतलब मेरा टोटल ईएमएफ जो होगा वो डी ए फाइनली मैं देख रही हूँ अब वी ए बी को मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हूँ तो माइनस की तरफ जा रही हूँ इसलिए माइनस सी लिख रही हूँ वी बी सी जीरो होगा वी सी डी में भी मैं सी टू डी जा रही हूँ मतलब माइनस ई सी की तरफ जा रही हूँ ये और वी ए डी मुझे टोटल वोल्टेज वी डी ए मिलेगा इनके अक्रॉस तो अब ये फाइनली मुझे क्या देने वाला है आप देखिए वी जो मुझे मिल रहा है वो ट्वाइस ऑफ ई मिल रहा है और ये ई का एडिशन इस सर्किट में दोनों कंडक्टर्स के ई एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल में होने की वजह से और दोनों की डायरेक्शन वेलोसिटी की अपोजिट होने की वजह से इन दोनों के ई एम एड ऑन हो रहे हैं अगर दोनों कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में होते या दोनों कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में होते या दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो ये आपको एडिशन ऑफ ईएमएफ नहीं मिलता जीरो ईएमएफ मिलता इसका मतलब टर्न में क्या होता है जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो एडिटिव पोलैरिटी का हो रहा है जिसकी वजह से सर्किट में आपको टोटल ईएमएफ मिलता है और यही जनरेशन का काम है मतलब जन इन कंडक्टर्स में ईएमएफ जनरेटेड uh, है पर ये ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी है एडिटिव uh, होने की वजह से इन दोनों का सम आपको ईएमएफ का ट्वाइस मिल रहा है ट्वाइस ऑफ वन कंडक्टर मिल रहा है जीरो नहीं मिल रहा है और ये क्यों हो रहा है क्योंकि एक कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में और दूसरा कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में होने की वजह से या दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा पीछे जा रहा है मतलब एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है या एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है कैसे भी आप समझ सकते हैं तो उस वजह से यहाँ पर ई आपको टोटल जो मिल रहा है वो ट्वाइस मिल रहा है और करंट की डायरेक्शन आपको सिंगुलर डायरेक्शन में मिल रही है एक ही डायरेक्शन में मिल रही है अपोजिट ऐसा नहीं हो रहा है कि ये भी ऊपर दे रहा है करंट ये भी ऊपर दे रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है ये में फैसा प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रही है ये कब पॉसिबल है जब एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में और दूसरा साउथ पोल के अंडर में मतलब मैं कहूँ टन टर्न में एक कंडक्टर आपको हमेशा किसके अंडर में रखना पड़ेगा नॉर्थ पोल के अंडर में और दूसरा आपको किसके अंडर में रखना पड़ेगा साउथ पोल के अंडर में रखना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है मतलब एक टर्न के दोनों कंडक्टर्स एक टर्न के दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए मतलब एक नॉर्थ पोल के अंडर में तो दूसरा किसके अंडर में होना चाहिए साउथ पोल के अभी यहाँ पर आपको इनके बीच में मैकेनिकल सेपरेशन भी आपको 180 डिग्री का ही दिख रहा है तो फिलहाल इस केस में मैकेनिकल एंगल भी जो सेपरेशन होता है मैकेनिकल एंगल किसको बोलते हैं जो दिख रहा होता है यहाँ मुझे दिख रहा है इनके बीच में वन डिग्री का फेस का स्पेस शिफ्ट है मतलब जैसे रखे हुए हैं उस हिसाब से एक कंडक्टर ये एक कंडक्टर ये तो दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है वन एटी डिग्री का और इलेक्ट्रिकली भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक में ई एम एफ पॉजिटिव डायरेक्शन का प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में भी अपोजिट डायरेक्शन का ई एम एफ प्रोड्यूस हो रहा है पर उनका कनेक्शन ऐसा है कि टोटल सम हमें ट्वाइस ई सी मिल रहा है और करंट की डायरेक्शन भी कैसी मिल रही है सिंगल डायरेक्शन मिल रही है तो इलेक्ट्रिकल भी एंगल आपको कितना मिल रहा है इनका 180 डिग्री का ही इलेक्ट्रिकल एंगल मिल रहा है पर अगर चार पोल की मशीन होती तो चार पोल की मशीन होती तो एक नॉर्थ साउथ पोल यहाँ होता और एक uh, ये भी नॉर्थ हो जाता और ये साउथ हो जाता तो उस केस में एक कंडक्टर यहां होता और एक कंडक्टर यहां होता तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितने का होता 180 डिग्री का होता और क्योंकि नॉर्थ पोल के अंडर के कंडक्टर में एक डायरेक्शन का ईएमएफ होगा साउथ पोल के अंडर में दूसरी डायरेक्शन का ईएमएफ होगा पर कनेक्शन ऐसा है कि दोनों एडिटिव हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस इनके बीच में 180 डिग्री का होता और मैकेनिकल डिफरेंस इस केस में कितने का हो जाता नाइन्टी डिग्री का हो जाता इस तरीके से ये दोनों कंडक्टर्स मिल एक टर्न बना रहे हैं और टर्न हमेशा एक टर्न दो कंडक्टर से मिलकर बनता है इसलिए मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अगर जेड है तो z बाई टू नंबर ऑफ टर्न्नस मिलेंगे पर हर टर्न का एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में होगा और एक साउथ पोल के अंडर में होगा मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो वन पोल पिच के बराबर होगा इसे वन पोल पिच बोलते हैं और वन पोल पिच हमेशा कितने की होती है वन एट्टी डिग्री की होती है वन पोल पिच हमेशा कितने का होता है वन एटी डिग्री का होता है इन मैकेनिकल एंगल जो है वो स्पेशियल अरेंजमेंट पे मतलब स्पेस में किस हिसाब से अरेंजमेंट कर रखी है उस पर बेस्ड होता है जैसे फोर पोल की केस मैंने बताया मैकेनिकल एंगल 90 डिग्री का पर फिर भी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 180 डिग्री फेस डिफरेंस तो नहीं बोलूंगी पर 180 डिग्री अपोजिट का होगा मतलब एक में एक पोलारिटी का ईएमएफ होगा तो दूसरे में अपोजिट पोलारिटी का ईएमएफ होगा इस तरीके से ये होगा तो आ, अब इसके बाद मुझे समझाना है कॉइल या वाइंडिंग और फिर आगे के टर्म्स पर मैं जाऊंगी पर उम्मीद है आज आपको कंडक्टर और साथ में आपको टर्न इतना समझ में आया होगा और कंडक्टर किसको कंडक्टर बोलते जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं और टर्न किसको बोलते हैं दो कंडक्टर्स को जोड़ के जो एक घुमाव बनता है एक क्लोज पाथ बनता है उसको हम क्या कहते हैं टर्न बोलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी आगे की टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी तो डेवलप डायग्राम ऑफ वाइंडिंग्स भी आप लोगों को बताऊंगी तो इस तरीके से आपको आर्मेचर वाइंडिंग पूरा समझ में आ जाएगा जो आप सिंग्रोनस मशीन में भी अप्लाई कर पाएंगे और डीसी मशीन्स में भी अप्लाई कर पाएंगे तो उम्मीद है आज का मेरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए थैंक यू